या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु सतानंद आपनकु स्वागत जनाउछि रीजनल टीवी रे। प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा एही कन्याकुमारी मंदिर रो आउ अनेक किछि रहस्य विषय रे। पुराण काल रे एठारे बाण नामक एक असुर शासन करूथिला, जहार शासन रे केवल मनुष्य किनर दैत्य बा देवता नुहंती, समग्र विश्व ब्रह्मांड त्राही त्राही डाक देउथिला। ब्रह्मांकर वरदान थिला जे बाणासुर केवल कन्या हाथ रे मृत्युबरण करिवो, ताहा फळरे बाणासुर देवता तथा मानव उपरे बहुत अत्याचार करथिला। एही कन्याकुमारी पीठरे माँ आदिशक्ति बा पार्वती सेठारे कन्या रूप से जन्मग्रहण करथिले, जहांकर नाम थिला भगवती। कालक्रमे से बड़ होई भगवान शिवंकु कठिन तपस्या करी प्रसन्न कराइथिले एवं वरदान पाइथिले जे भगवान शिव तांकु विवाह करिवे। भगवान शिव मध्य बहुत प्रसन्न थिले, कारण से जानिथिले भगवती आउ केही नहंती, माँ पार्वतीकर ही अन्य एक रूप। विवाह पाई समस्त प्रस्तुति सरिला, भगवान शिव निजर गण मानंकु धरी कैलाश पर्वतर प्रस्थान कले, किंतु देवता माने जानिथिले जदि एही विवाह संपन्न हुए तेबे एही बाणासुर सबुदिन पाई अमर होइजिवो। देवता माने चाहिले ए विवाह किपरि न हबो, तेणु नारदंकु से पठाइले। नारद कण कले ना कुकुडा भाव रे राव देले, जहाँ फल भगवान शिव भाविले ब्रह्म मुहूर्त सरी जाइछि, तेणु से निजर गणंकु धरि कैलाश पर्वतक प्रस्थान कले। जेतेबेळे माँ आदिशक्ति बा भगवती जानिले जे तांकर विवाह भांगी जाइछि, से अत्यंत क्रोधित हले एवं समस्त दैत्यमानंकु वध कले तथा बाणासुरकु मध्य वध करथिले। एवं जो रोषेइ होइथिला जो खाद्य गुडिक विवाह पई ताकु से नै समुद्र रे फिंग देले, जहाँ भी से बालीगुड़ी करे विभिन्न रंगर आकार देखाई थाए। माँ आदिशक्ति से दिन ठारू निर्णय कले जे से आजीवन कुमारी रहिबे, से दिन ठारू एही स्थानर ना रही आसिछि कन्याकुमारी। एही ठारे ही स्वामी विवेकानंदंकु निर्वाण बा मोक्षर प्राप्ति होइतिला, तेणु एठारे स्वामी विवेकानंदंकर स्टैचू तथा आशा करूँ आपण को पौराणिक तथ्य